मुरादाबाद शहर के बर्तन बाजार जाटोवाली गली स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। 7 दिन तक चली भागवत कथा के दौरान समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ सभी को ये संदेश दिया गया कि एकता के साथ सब लोग आगे बढ़ें। इस अवसर पर समापन के मौके पर एक विशाल भंडारे का आयोजन भी कराया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर धन लाभ कमाया। मुरादाबाद के बर्तन बाजार जाटोवाली गली स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का समापन समारोह कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर में 21 फरवरी से भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया था, जिसके बाद प्रतिदिन मंदिर में भागवत कथा के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। और एक बार अरे बिहारी जी के श्री चरणों से सप्तम दिवस था और भागवत चल रही है। व्यास जी बहुत अच्छी भागवत बोल रहे हैं और आज सुदामा चरित्र था, उसमें बहुत अच्छा पंडित जी ने बोला, सुदामा जी ने की और कृष्ण जी की बहुत अच्छी झांकी थी, इसमें सबने बहुत आनंद लिया। ये आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में भागवत चल रही थी, आज 7वां दिन था और ठाकुर जी के आशीर्वाद से हम लोगों से प्रसाद वितरण ठाकुर जी ने करवाया। कृपा है, सुबह क्या कार्यक्रम किया जाएगा? सुबह को हवन वगैरह है, 9 बजे से हवन है और 12 बजे से भंडारा है, आप लोग सब आमंत्रित हैं। रविवार 28 फरवरी को भागवत कथा का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर प्रांगण में भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर इस भागवत कथा के समापन पर आयोजित भंडारे में धर्म लाभ कमाया। मंदिर के पुजारी पंडित कृष्ण प्रसाद शास्त्री का कहना था कि हर वर्ष मुरादाबाद के इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय निवासी सहयोग भी करते हैं। आज समापन के अवसर पर मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा है। जय हो, 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 जय ह
हमारे यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा की जा रही थी। कल सप्तम दिन दिवसीय था, कल कथा को विश्राम किया गया। तत्पश्चात आज हवन यज्ञ तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया है। समस्त भक्तों के कल्याणार्थ समस्त भक्तों के सहयोग से और मुख्य जो यजमान थे सप्तम अष्टम दिन के मुख्य पृथक पृथक अलग अलग यजमान थे, इस प्रकार समस्त भक्तों के और यजमानों के सहयोग से आज हमारा श्रीमद् भागवत कथा विश्राम की गई और यज्ञ पुरुष भी हवन भी संपन्न हुआ। तत्प्रसाद भंडारा का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार समस्त भक्तों से यही कहूँगा और भगवान ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि समस्त भक्तों के ऊपर सदैव कृपा बनी रहे, धन धान्य की वृद्धि हो, सुख शांति दे, आयु की प्राप्ति हो, विद्या की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। ठाकुर जी महाराज उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण करे। इसी प्रकार धार्मिक कार्य में अपना सहयोग करे, जितना भी अधिक से अधिक हो सके इस कार्य को कार्य धार्मिक कार्य में सहयोग देने की कृपा करे और उनसे यही प्रार्थना है। प्रथम दिन के हमारे मुख्य यजमान डॉक्टर पराग अग्रवाल जी और मोनिका अग्रवाल जी रही। इसी प्रकार द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन, पंचम, षष्ठ, सप्तम दिन के मुख्य यजमान पृथक पृथक अलग अलग रहे और अष्टम दिन के जिनके द्वारा हवन यज्ञ किया गया है आज के मुख्य यजमान हमारे श्रीमान विशाल रस्तोगी जी, तत्पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेरणा रस्तोगी द्वारा हवन संपन्न करा गया। तत्प्रसाद भंडारा का आयोजन किया गया। समस्त भक्तों से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रसाद ग्रहण करें और धर्म का लाभ उठाए। धन्यवाद। राधे राधे।